बिल्कुल इसमें हमने एक लाइट यूज की थी, तो अगर हम उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रेफर कर रहे हैं, सपोज कीजिएगा कि हम उसको ग्रीन लाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो लैम्डा है वो ग्रीन कलर का है, यहाँ पे एक सोर्स था जो ग्रीन लाइट प्रोड्यूस कर रहा था, फिर ये S1 और S2 दो सेकेंडरी सोर्सेज बनते थे, तो इससे क्या होता था कि जहाँ पे भी मैक्सिमा बन रहा है तो वहां पे तुम्हें ग्रीन कलर का मैक्सिमा दिखाई देगा, एग्री हो ना मेरी बात? यस दूसरा जहाँ पे मिनिमा बनेगा तो वहां पे ग्रीन लाइट जो है वो ग्रीन लाइट को डिस्ट्रॉय कर देगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डार्क डार्क स्पॉट डार्क आ जाएगा। कहाँ था, ब्लैक फ्रिंज दिखाई देगी तुम्हें, ठीक है ना? तो यस सर। अगर तुमने फोकस किया हो इस बात पे कि जो फ्रिंज विड्थ है वो होती है लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है, यस सर। और एट अ डिस्टेंस वाई ऑन द स्क्रीन, ये अगर हम वाई प्रिफर करते हैं पहले की तरह से, जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसके लिए पाथ डिफरेंस होता है ये, और ये एन लैम्डा होता है मैक्सिमा के लिए, तो वाई इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन डी, बोलो इसमें कोई डाउट है तो? नो सर। तो यहाँ से ना देखो तुम्हें दो चीजें समझनी चाहिए, क्या कौन कौन सी हो, कि एक तो जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होगी उन मैक्सिमाज की विड्थ भी अलग अलग होगी, मतलब ये जो मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे ये एक ही अरेंजमेंट में सब कलर्स के लिए इक्वल साइज के नहीं होंगे, जिसकी लैम्डा बड़ी है नहीं उसके, बनेगा। जिसके लिए लैम्डा बड़ी है पता चला उसके लिए चौड़ी चौड़ी फ्रिंज है, जिसकी लैम्डा छोटी है उसके लिए थोड़ी नैरो है, यस सर, एग्री हो क्योंकि ना? वो भी डिपेंड कर रही है लैम्डा हाँ, पे। वो विड्थ जो है वो लैम्डा डिपेंडेंट। दूसरा हम ये कह रहे हैं देखो कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा देख रहे हैं, देखना इस वाली लाइन पर फोकस करो भी, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा देख रहे हैं मतलब एन इक्वल टू वन, तो वो ग्रेटर लैम्डा के लिए ज्यादा दूर है फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यस सर, मतलब वो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर लेगा ना, तभी तो थोड़ा ब्रॉडर होगा, बोलो। बोलते अरे सुन नहीं रहे हो भाई, मैं क्या कह रहा, वॉइस चली गई क्या? नहीं हेलो, सर, बीच में ना थोड़ा बोलते रहा करो तो पता चलता है कि दूसरे एंड। यस सर, तो अब ये देखो कि अगर हम विबग्योर लाइट यूज कर, तो लेमडा वॉयलेट लेस देन होता है लेमडा और, ठीक है ना भाई? सर, तो तुम ये देखो कि जो अगर हम इनको अलग अलग कलर को प्रैक्टिकलिटी में लेके आए, मतलब एक बार हम वॉयलेट कलर ले लें, एक बार ग्रीन ले लें, एक बार रेड, मान लो तीन कलर को लेके प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो जो सबसे कम डिस्टेंस का मैक्सिमा बनेगा वो किसका बनेगा? वॉयलेट का। वॉलेट का, उसके बाद इसका ग्रीन का मैक्सिमा थोड़ा उससे दूर बनेगा, तो यस सर, ऐसा भी तो हो सकता था कि जो वॉयलेट के लिए मिनिमा बन रहा था वहां पे ग्रीन आ जाए। हाँ, हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी है मुझे। और रेड का मैक्सिमा इनमें सबसे दूर बनेगा और सबसे ब्रॉडर होगा, हाँ सर, वेट सबसे ज्यादा होगी। कोई मतलब ये कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी अगर तुम इसको देखने की कोशिश करोगे तो, यस सर। एग्री होना इस बात से तुम्हें सब लोग? यस सर। अब देखो जब ये हम अलग अलग यूज करेंगे तो हमें तीनों की प्रेजेंस सेपरेट सेपरेट जगहों पर तीन कलर के स्पॉट दिखाई देंगे पहली फ्रिंज के लिए, फिर दूसरा ऑर्डर शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा, ठीक है ना ये बात?
यस सर। पर अगर हम तीनों कलर को एक साथ यूज कर दें तो तीनों कलर को एक साथ यूज करने से क्या होगा, देखो अगर हम एक एक कलर को यूज करते हैं तो भाई हमें क्या दिखाई देता है कि एक मैक्सिमा दिखाई देता है, एक मिनिमा, एक मैक्सिमा दिखाई देता है, दूसरा मिनिमा। तो ये जो मैक्सिमा आ गए ये एक कलर के तो होंगे जिस कलर को हम यूज कर रहे हैं। हाँ सर। यस सर। पर जब हम तीनों कलर को यूज कर लेंगे कलेक्टिवली तो क्योंकि दूसरा कलर जब यहाँ एंट्री ले लेगा तो उसका मैक्सिमा इसके मैक्सिमा से थोड़ा दूर से बनेगा, तो पता चला वो यहाँ से यहाँ तक की जगह ले लेगा। यस सर। तीसरा पता चला कि मैक्सिमा वो यहाँ से यहाँ की जगह ले लेगा। तो इसमें क्या होगा कि पहले सबसे क्लोजर किसका मैक्सिमा बनेगा, जो सबसे लो वेवलेंथ का है, सबसे दूर किसका बनेगा, जो सबसे ग्रेटर वेवलेंथ का है। तो अगर तुम देखो तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न बन जाएगा। यस सर। और जब ये एक पैटर्न खत्म होता है इनकी पहली पहली ऑर्डर की सबकी फ्रिंज बन जाएंगी फर्स्ट ऑर्डर की, जिसके लिए क्या होगा एन लैम्डा में एन इक्वल टू वन होगा, क्योंकि जीरो के लिए तो सारे के सारे कलर यहाँ अपना मैक्सिमा बनाएंगे तो सेंटर पे सारे के सारे मर्ज हो जाएंगे, तो सेंट्रल फ्रिंज कैसी होगी, तो व्हाइट ही होगी, व्हाइट लाइट होगी। हाँ, पर जब एन इक्वल टू वन होगा तो एन इक्वल टू वन में सबसे क्लोजर जो मैक्सिमा बनेगा वो वायलेट का, सबसे दूर बनेगा किसका रेड का, तो ये विद योर ऑर्डर में स्कैटर हो जाएंगे ऊपर या नहीं होंगे, ये यहाँ भी हो जाएंगे यहाँ भी हो जाएंगे। यस सर। अच्छा जब ये एन इक्वल टू ये डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा में एन वन होगा तो ये वाला काम हो जाएगा, भाई एन टू भी तो होगा। यस सर होगा। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ वायलेट फिर पता चला यहाँ से शुरू हो गया, या बीच में से कोई एक मतलब बीच में से कोई एक डार्क स्पॉट ऑक्यूपाई कर लेगा वहां से हो जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या कि ये मैक्सिमा मिनिमा बनने शुरू हो जाएंगे विद योर ऑर्डर। एक मिनट आपने होल्ड करना फोन। हाँ तो मैं कह रहा था कि भाई जैसे पहला विबद्योर खत्म होगा फिर दूसरा शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो बात। यस सर। तो ये तुम्हें एक दो ऑर्डर तो साफ दिखाई देंगे, फिर क्या होगा ये कलर जो होंगे एक दूसरे से ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगे, मिक्सिंग शुरू हो जाएगी इनके आपस में तरह से, कि पहले ऑर्डर का विबद्योर खत्म नहीं होगा, दूसरे का पहले से शुरू हो जाएगा। यस सर। तो फिर वहां पर हमें आगे जाके यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखने लगे, एग्री होना इस बात से मैं क्या बता रहा हूँ। हेलो। यस सर। ठीक है, अब तुम्हारे लिए ना क्वेश्चन अराइज होता है मेन, कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है हम इसमें इन दोनों स्लिट्स को एज अ टू कोहेरेंट सोर्सेस ट्रीट करा रहे हैं, जो कि साइमल्टेनियसली सेकेंडरी सोर्स बनते हैं विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी सोर्स है, और स्क्रीन जो है वो हमें मिलती है एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी। फिर हमें इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमम, फिर ये मिनिमम, ये फर्स्ट मिनिमम है, फिर इधर भी चूंकि आइडेंटिकल पाथ डिफरेंस है तो ये भी फर्स्ट मिनिमम, फिर इसके बाद फर्स्ट मैक्सिमम है तो यहाँ पे भी आइडेंटिकल पाथ डिफरेंस है, फर्स्ट मैक्सिमम है, यहाँ फर्स्ट मिनिमा है, सेकंड मिनिमा, फिर यहाँ अगेन सेकंड मिनिमा, फिर इसी तरह से चलते रहेंगे, जीरो वन, ये वन टू। तो तुम देखो यहाँ पे कहीं पे भी जो मिनिमा है वो जीरो ऑर्डर का नहीं, और कहीं पे भी जो मैक्स
मैक्सिमा है, मतलब वो मैक्सिमा जो है वो जीरो से जीरो। तो ये बेसिकली तुम्हारे सामने जो ये स्क्रीन है, ये एक थ्री डायमेंशनल व्यू अगर तुम इसका लोगे तो ये स्क्रीन जो है ये एक प्लेन की तरह, टू डायमेंशनल प्लेन होगा। यस सर। तो हमें ये बताना है कि शेप ऑफ द फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, ये किस शेप में बनती है फ्रिंजेस। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओ और बताओ जरा। सेंट्रल ब्राइट तो रेक्टेंगुलर ही बनेगी, मतलब सेंट्रल ब्राइट तो होगा, ब्राइट स्पॉट होगा, बाकी भी तो होंगे ना सब। तो इनकी शेप बतानी है हमें किस तरह की होंगी। भाई सर्कुलर होंगी, ये तुम्हें रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स दिखेंगी, या फिर तुम्हें किसी और शेप में तुम्हें दिखाई दे रही है, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि बेसिकली क्या हो रहा है। लंबी लंबी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स दिखेंगी। हाँ मतलब सारे लोग थोड़ा सोचो इसके बारे में, मुझे बताओ जरा, सब लोग एक बार अपना अपना दिमाग खर्च करो। बोलो भाई। सर रेक्टेंगुलर ही बनेंगे। रेक्टेंगुलर ही बननी चाहिए, और देख लो अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा काम करता है। फेड सी होती है, रेक्टेंगुलर बनेगी। रेक्टेंगुलर ही बनेगी। Let us now discuss the shape of fringes by समझा देता हूँ, समझ रेक्टेंगुलर ही बन रही है। मतलब बेसिकली जो तुम पढ़ रहे हो उसका तुम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज करने की पोजीशन में होते नहीं। मतलब तुमने नोट किया है कि तुम लोग पढ़ रहे हो तो शायद इसीलिए ये नंबर आ जाए। हर हफ्ते तुम टेस्ट देते हो, टेस्ट में तुम्हारा नंबर अच्छा है, तुम्हारा मास्टर भी खुश हो गया, तुम भी खुश हो गया, बाकी प्रैक्टिकलिटी के नाम पर चीजें गड़बड़ जाती हैं। ये दो पॉइंट्स हैं F1 F2, ठीक है, देख पा रहे हो। यस सर। अब इन दोनों पॉइंट्स से तुम लोग, मतलब ये तुम अपनी टेबल जो है अपनी टेबल पे दो पिन लगा लो, दो पिन होते हैं ना। यस सर। और उन दोनों पिन से एक रस्सी बांध लो, तो कोई थ्रेड है मतलब तुम्हारे हाथ में, मतलब वो उसकी डायमेंशन ऐसी होनी चाहिए कि वो तुम्हारी टेबल के पार ना निकल जाए, बस ये बात है। ठीक, अब तुम अपनी उंगली डाल लो यहाँ पे, ठीक। यस सर। और इसको कर दो टाइट थ्रेड, किस तरह से हो जाएगा भाई ये, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ट्रायंगुलर शेप ऐसा हो जाएगा ना। yes, sir. अब तुम अपनी उंगली के बजाय यहाँ पर एक पेन रख सकते हो, पेंसिल रख सकते हो, ठीक। yes, sir. और yes, sir. हमेशा ये दोनों स्ट्रिंग, ये वाली और ये वाली टाइट रहनी चाहिए, और तुम इसको टेबल पे घुमाओ ऐसे।
तो तुम देखना, तो तुम देखना एलिप्स बन जाता है, ऐसी सी सिचुएशन बन जाएगी भाई, वो एलिप्स की डेफिनेशन भी है, लोकस ऑफ सच अ मूविंग पॉइंट सो दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स F1P प्लस F2P विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है, इस रस्सी की लेंथ है, थोड़ा ना बदल जाएगी। यस सर, समझ रहे हो ना मेरे बात में क्या कह रहा हूं? यस सर। भाई अगर ऐसा है बच्चों, तो एक सिचुएशन भाई ऐसी बताती है कि F1P माइनस F2P। यस सर, घुमाते रहे पर ये दो पॉइंट से फिक्स पॉइंट से इस मूविंग पॉइंट की डिस्टेंसेस का डिफरेंस ही तो है ये। यस सर, तो फ्रिंजेस की शेप कैसे होने वाली है? हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक, हाँ गुड, वेरी गुड भाई। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो एक बार, ये तुम देखो जरा, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा हो कि ये वाली, तुम यहाँ फिगर देख सकते हो, जगह तुम्हें कर्सर दिखाई दे रहा हो, उसको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर, या फिर तुम थोड़ा इसको देख सकते हो भाई, ये दिख रही है? हाँ सर। मतलब ये हम मतलब ये जो हम थोड़ा छोटे छोटे स्ट्रिप बना रहे थे, तो वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से बेसिकली आदमी इसलिए कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि मुझे तो छोटी सी बिल्कुल ओरिजिन के आसपास उस लाइन के आसपास ही ड्रॉ करनी पड़ रही थी, पर जब मैं इसको पीछे की तरफ, हाँ सर, जैसे कि अगर हम सर्कल के आर्क को देखें तो सर्कल का कोई भी आर्क एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट हो सकता है, बहुत पास से मतलब हमसे देखेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन लगेगा, वही तो ऐसा ऐसा ही सीन है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? हाँ सर, आगे क्या समझ? तो हाँ, yes, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसके ऊपर, ये ना इम्पोर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम पूछ लेते हैं कि भाई इनकी शेप कैसी होगी, तो इनकी शेप हाइपरबॉलिक होती है, कभी तुम वहाँ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर टिक कर लेते। यस सर, अब हम देखते हैं भाई, एक टर्म होती है आगे, अब हम ना देखो 12th के सिलेबस से अब हम आगे निकल गए, अच्छा सर, बस 12th का सिलेबस तो बस यहीं पर है, उसके बाद पोलराइजेशन आ जाता है। अब ऑप्टिकल पाथ में क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ में किसे कहते हैं? मैंने सारी वैसे तो तुम्हें नोट्स वगैरह डेफिनेशन सारी भेज रखी हैं, फिलहाल तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा तुम समझने की कोशिश करो। जैसे मेरे पास एक स्लैब है, ठीक है ना भाई, जिसकी थिकनेस है, सपोज करिएगा एक्स, कितनी थिकनेस है इसकी एक्स, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब ये भाई म्यू है। बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है कि किसी? नहीं सर। तो मैं एक लाइट बीम को इसके थ्रू पास करता हूँ, एग्री हो ना इस बात? हाँ सर। तो मैं कहूंगा कि ऑप्टिकल पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द सेम टाइम as it takes to cover a given distance through a given medium, ठीक है? ठीक है सर। मतलब उसका कहने का ये है कि जैसे हमें इस x thickness के corresponding एक optical path generate करते हैं, तो हम कहेंगे कि जितना टाइम ये लाइट इस एक्स थिकनेस को म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम के थ्रू पार होने में कंज्यूम कर रही है, जितना टाइम ये लाइट कंज्यूम कर रही है एक्स थिकनेस को ट्रेवल करने में थ्रू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, उतने ही टाइम में अगर हम इसको अलाउ करते हैं लाइट को टू मूव थ्रू द वैक्यूम, तो उतने ही टाइम में
ये कितना लेंथ वैक्यूम में ट्रेवल कर लेगी, सेम जो वैक्यूम में ट्रेवल डिस्टेंस है वो इस एक्स डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल पाथ होगा। बोलो यस एक्स अपॉन वी, बता दो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। राइट, जब मीडियम में से हम पास होंगे लाइट के लिए, तो लाइट कोई मतलब वैक्यूम से तो कम स्पीड से ट्रेवल करेगी ना, तो हमने ज्यूम कर लिया कि वो सी स्पीड के बजाय वी से ट्रेवल कर रही है, तो वी स्पीड से लाइट का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है भाई? एक्स अपॉन वी तो लग रहा है। बोलो। यस सर। अब इतने ही टाइम में, जितना टाइम यहाँ पे यूज हो रहा है उतने ही टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर या वैक्यूम होगी ऑप्टिकल पाथ कहेंगे, ऑप्टिकल पाथ कॉरस्पॉन्डिंग टू थिकनेस एक्स इक्वल टू, लाइट जब वैक्यूम में ट्रेवल होगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी सी, और टाइम कितना है जो, बोलो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? कितना होगी? म्यू एक्स होगी, क्योंकि सी अपॉन वी तो म्यू हो जाएगा। यस सर। जो म्यू है वो तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो हम किसी भी एक मीडियम को इक्विवेलेंटली रिप्लेस कर सकते हैं एयर मीडियम से। लेंथ ज्यादा हो जाएगी मतलब उसकी, वो मतलब तुम इसको ना इस तरह से समझ सकते हो, देखो मेरी बात ध्यान से कि भाई होगा क्या कि जैसे तुमने एट्थ में सवाल करे होंगे 10 आदमी 4 वुमेन किसी काम को 15 दिन में करते, नहीं करे तुमने? यस सर करे। तो यहाँ पे देखो हम या तो मैन को रिप्लेस कर लेंगे वुमेन से या वुमेन को रिप्लेस कर लेते हैं मैन से। अब देखो भाई 4 वुमेन ये 14 लगा लो, तो ज्यादा वुमेन जो है वो कम आदमी के इक्विवेलेंट होती है। यस सर। तो इसी तरह से अब यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ पे भी हम इक्विवेलेंसी एस्टेब्लिश कर रहे हैं कुछ कुछ इसी मायने में कि जब हम किसी मीडियम के थ्रू जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। यस सर। जब हम वैक्यूम में ट्रेवल कर रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा सी ज्यादा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि यार स्पीड स्लो ना करो, तुम तेज स्पीड से ही चलो। यस सर। हमारे पास स्पीड स्लो करने का कोई पैरामीटर है नहीं, हम तो सी स्पीड से चले। फिर यूं कहेगा भाई देखो अगर सी स्पीड से चलोगे तो इसको इक्विवेलेंट रखने के लिए फिर तुम्हें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, नहीं तो बेईमान हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे जैसे तुमने अगर रेसिंग ट्रैक नोट किया हो कभी कभी, रेसिंग ट्रैक पे जो स्ट्राइक्स होती है वो भी इस तरह से होती है। यस सर। तो तुम ये बात देख रहे हो कि अगर रेस यहाँ से शुरू हो रही है तो सब सब लोगों को यहाँ से नहीं शुरू कराया जाता? नहीं सर, आगे पीछे होते हैं वो। हाँ, वो इसलिए कि चूंकि जो जो सबसे आउटर पार्ट है वो तो क्या भाई, वो तो जो बड़ी सर्कमफेरेंस पे है तो उसको उतना ही आगे से कहेंगे भाई यहाँ खड़ा हो जाता। तो यहाँ पे जब स्पीड के कम होने के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे हम किसी ऐसे मीडियम से रिप्लेस करके मतलब वैक्यूम से, तो फिर हम कहेंगे कि भैया इक्विवेलेंसी मेंटेन रखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम स्पीड से तो सी से ही चलो पर कम से कम यार इक्विवेलेंसी मेंटेन करने के लिए तुम ये करो कि भाई थोड़ी सी लेंथ ज्यादा कर लो। तो एक्स डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग
जो ऑप्टिकल पाथ बनता है वो म्यू एक्स बनता है। बोलो, नहीं समझ आएगा तुम? यस सर, एग्री हो ना इस बात से? हाँ सर, यस सर। अब हम क्या करेंगे कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, स्कूल में शुरू हो गया नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, अभी अभी नहीं हुआ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज्ड टू फाइंड थिकनेस ऑफ अ थिन फिल्म। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जो थिन फिल्म है, इस थिन फिल्म के रिगार्डिंग हमने कल बात की थी, ये कितनी थिन फिल्म हो सकती है? कभी तुम सोचो कि भैया थिन फिल्म ही तो होती है, स्क्रू गेज से मेजर कर लेंगे, समझ रहे हो? नहीं सर। हाँ, तो वहां पे वो चीजें काम नहीं करेंगे, स्क्रू गेज जैसी चीजें, ये तो काफी सेंसिटिव चीज है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको तुम थोड़ा सा जरा एक बार समझने की कोशिश करो, हो सकता है कुछ चीजें आसानी से समझ आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। तो हमने क्या करा, ये एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बना लिए, इसमें जो सोर्सेज हैं वो डी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, स्क्रीन डी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे तुम्हें क्या दिखाई देगा, स्क्रीन पे तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम बनने चालू हो जाएंगे, ठीक है ना भाई? यस, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ये सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा होगा, ये यहाँ फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा होगा, सेकंड बन रहा होगा, तो इसी तरह से तो होगा। यस, तो ये देखो, ये दोनों की दोनों जो वेव हैं जो S1 और S2 से निकलती हैं, वो O पे मीट करती हैं, ठीक? यस सर। तो अब तुम ये देखो कि अगर मैं S1 स्लिट के सामने वो थिन फिल्म पेस्ट कर दूं जिसकी मुझे थिकनेस मेजर करनी है, मतलब मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ उसके सामने, पर वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ अलग से, जिससे कि पता चल जाएगा भैया यहाँ ऑब्स्टेकल है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो थिकनेस है, इसके थ्रू लाइट जितने टाइम के लिए पास होएगी, उतने टाइम के लिए लाइट क्या रह जाएगी, स्लो हो जाएगी। Yes. तो जो वेव यहां से ट्रेवल कर रही थी ऐसे, जो उसी टाइम पे यहां पहुंच रही थी जिस टाइम पे ये यहां पहुंच रही थी, बोलो? Yes, sir. Yes. अब क्या होगा कि जब हम इसके थ्रू लाइट पास करेंगे तो ये तो वहां पहुंचगी। Yes, हाँ सर। ये तो नहीं पहुंच पाई, ये तो रास्ते में ही है ना अभी, ये थोड़ा लैग कर, स्लो हो गई, थोड़ा स्लो होगी, तो इसका मतलब ये नहीं पीछे रहेगी, तो वहां तो नहीं पहुंच पाई। Yes, sir. तो इसका मतलब यहाँ पे तो कोई और पहुंच गई होगी ना फिर। Yes, sir. और तब सिचुएशन कुछ इस तरह की बनने वाली है। देखो मैं तुम्हें समझा कि हम ये कहेंगे उस टाइम पे कि अगर इन, अगर देखो दो आदमी हैं, दोनों को एक जगह से तुम छोड़ रहे हो और उनको एक सेम डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, अब एक को थोड़ी देर के लिए तुम लोग स्लो कर दो, तो फिर ये क्या करेगा जो स्लो होने वाला है, अगर उसी टाइम पे वहां पहुंचना है, तो यूं कहेगा भाई यहाँ नहीं मिलते तो शॉर्टकट ले लेते हैं, वहां मिलेंगे, तो अपना रास्ता बड़ा कर ले थोड़ा सा, खाली घूमने से अच्छा है कि मतलब, क्योंकि तू तो वहां पहुंच गया टाइम से। Yes, sir, तो वो तो आ सकता है। Yes, वो तो मिला नहीं उसको अभी, तो वो क्या करेगा, वो कह देगा भैया तू तब तक थोड़ी आवारागर्दी कर ले, वो आवारागर्दी करके अपना पाथ को थोड़ा बढ़ा लेगा और वो कह देगा यार हम यहाँ मिल लेंगे, मेरा भी काम हो जाएगा, मतलब हम चलते रहेंगे, रुकेंगे भी नहीं और काम भी हो जाएगा। Yes, sir. तो इसमें क्या होगा फिर, जैसे ही ये दोनों के दोनों स्प्लिट यहाँ से तुम देख रहे थे,
जो वेव पहले ओ पे मीट कर रही थी, क्योंकि लाइट तो ट्रेवल करते टाइम वेट नहीं करेगी ना, वो चलती रहेगी कंटिन्यूस, रुकती तो है नहीं. यस सर. तो ये क्या कहेगा S1 कि भाई वहां तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा और तू भी चलता रहना कंटिन्यूस, तो मैं अपना पाथ क्योंकि मेरा तो वैसा रह गया ना, मैं तो स्लो हो गया, तो मैं उस स्लो होने के कंपनसेशन को इस तरह से यूज कर लूंगा कि मैं अपना पाथ पहले से चेंज कर लूंगा और तू अपना पाथ पहले से बढ़ा लियो. अब देखो जरा ये बात समझ आई. यस सर. अभी तो यहाँ फिल्म पेस्ट करने से क्या होगा बेसिकली, कि जिस स्लिट के सामने हम फिल्म पेस्ट कर रहे हैं, ये सेंट्रल फ्रिंज उसी तरफ भाग जाएगी, जो ओ पहले यहाँ पे थी अब वो कुछ ऊपर भाग जाएगी और नीचे वाली ऊपर आ जाएंगी, नीचे वाली ऊपर, मतलब ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है ये कुछ इस तरह से खिसक जाएगा, जैसे कि मतलब नीचे से ऊपर पूरी पूरी फिल्म चली गई. नहीं समझे? जी सर. मतलब जो ये मैक्सिमा था ये वहां चला गया, जो नीचे वाला था वो यहाँ चला गया, नीचे वाला इसकी जगह गया, तो पूरा पैटर्न ही तो खिसके गए. बोलो. यस सर. तो हमने मान लिया कि सेंट्रल फ्रिंज एट अ डिस्टेंस वाई शिफ्ट हो, देन अ थिन फिल्म ऑफ थिकनेस टी इज इंटरपोज इन फ्रंट ऑफ द स्लिट एस वन और एस. अगर हम नीचे वाली के सामने स्लिट फेस करते तो नीचे को शिफ्ट हो जाता सारा सीन. ठीक है. यस सर. अब तुम ये बताओ कि अगर मैं स्लिट को हटा लूं तो ये वापस कहां पहुंच जाएगी? वो दोबारा से वहीं पहुंच जाएगी. ओ पे जहां पहले थी. अब तुम ये बताओ ओ डैश पे जब रेज पहुंच रही है तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस है या नहीं है? नहीं है. जीरो है सर. नहीं, गलत बात. गलत बात. ज्योमेट्री जिसने पढ़ी है वो कहेगा कि भाई ये है पाथ डिफरेंस, क्यों नहीं है, कल ही तो पढ़ा था. यस सर. वो लैम्डा टू लैम्डा एन लैम्डा के टर्म्स में. ना ना, ये वाला है, ये वाला. बोलो भाई, ऐसी अरेंजमेंट में इस पॉइंट के ऊपर अगर कोई दो वेव पहुंचती है तो हम ज्योमेट्री ज्योमेट्री को ही देखें, बाकी किसी को ना देखें, तो यहाँ पहुंचने वाली इन दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? यस सर. वाई डी वाई डी. बोलो, इसमें कोई डाउट है जी? और अगर मैं इस थिन फिल्म को यहाँ से निकाल लेता हूँ, अगर मैं इस थिन फिल्म को यहाँ से निकाल लेता हूँ तो ये ओ वापिस ओ डैश पे पहुंच जाता है, ओ डैश वापिस ओ पे पहुंच जाता है यहाँ पे. तो बेसिकली इस पाथ डिफरेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? फिल्म. भाई फिल्म को लगने से ये पैटर्न वहां पहुंच जाता है, फिल्म को हटाने से वापस वहीं आ जाता है, तो इस पाथ डिफरेंस को इंट्रोड्यूस कौन करा रहा है? फिल्म करा रही है. इसका मतलब ये दोनों कंपनसेट करने चाहिए ना. यस सर. अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो. एस टू ओ डैश अपॉन सी क्या है? बोलो. टाइम लगा जो ओ डैश तक पहुंचने में. दोनों वेव पहुंचेंगी तो वहां साइमल्टेनियसली ना, जो स्लो हो रही थी वो दूसरी वेव पहुंचेगी, तब तक वह सड़क पे घूमता रहना तो मैं मेरे साथ ही पहुंची हूँ. अब जरा ये बताना एक बार, एस टू ओ डैश अपॉन सी इक्वल टू एस वन ओ डैश माइनस टी अपॉन सी प्लस टी अपॉन वी, क्या इस बात से एग्री नहीं करते? यस सर. भाई ये पूरे रास्ते का जो लेंथ है S1 O डैश, इसमें से अगर मैं थिन फिल्म की थिकनेस को घटा दूं, माइनस कर दूं, तो जो थिकनेस बचेगी, जो लेंथ बचेगी उसको मैंने C से डिवाइड कर दिया. इसका मतलब एयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये और मीडियम डिस्टेंस ट्रेवल्ड थ्रू मीडियम. ये बात समझ आई या नहीं? यस सर. S2 O डैश माइनस S1 O डैश इक्वल टू C by V into T minus T.
इक्वल टू टी इंटू सी बाई वी माइनस वन इक्वल टू टी इंटू न्यू माइनस, बोलो इसमें किसको क्या प्रॉब्लम है सर? अगर हम फिल्म को ग्लास स्लैब की तरह मान ले तब भी उसका डेविएशन हाँ वही तो है भाई, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ये दो वेव्स जो एस वन से ओ पे पहुंच रही है, एस टू से ओ पे पहुंच रही है, ये उनके लिए पाथ डिफरेंस है जो हमने टाइम से कैलकुलेट कर लिया। ये जो इक्वेशन नंबर वन है ये ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर दी। यस सर। तो ये दोनों क्या अलग अलग चीजें हैं? नो सर सेम है। तो y d by d इक्वल टू न्यू माइनस वन इनटू टी। अब मुझे ये बता दो इस प्रैक्टिकल में तुम्हारे पास क्या ऐसी चीज है जो अवेलेबल नहीं? थिकनेस फिल्म की क्या चाहिए थी हम? यही चाहिए थी थिकनेस चाहिए थी। ये थी हम, ये तो कैलकुलेट प्रैक्टिकली होते हुए देखेंगे ना कि भाई इस सर फिल्म को इंट्रोड्यूस करने से जो सेंटर पे फ्रिंज बन रही थी वो कितना ऊपर शिफ्ट कर रही थी, इसका मतलब प्रैक्टिकली वाई तुम्हारे पास है। यस सर। किस मटेरियल की तुम यूज कर रहे हो वो भी तुम्हारे पास है, ये जो फिल्म मतलब म्यू भी तुम्हारे पास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाँ, कितनी डिस्टेंस दूर स्लिट्स हैं एस वन एस टू, यानी कि डी भी तुम्हारे पास है, कितनी दूर कर लोगे? यस सर कर लेंगे। ठीक है, कल हम लॉयड्स मिरर पढ़ाएंगे तो तुम थोड़ा सा एक बार साउंड के केस में, हो सकता है तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा, मुझे नहीं पता तुमने पढ़ाया नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ के आना थोड़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड फ्रॉम रेयर, वो जो यस सर पढ़ा है टाइप ऑफ वेव फ्रंट होता है जो स्फेरिकल या प्लेन है तो उसके उससे मतलब कुछ फ्रिंजेस के नेचर पे फर्क नहीं पड़ता ना? वो एक्चुअली में चीजें थोड़ी थोड़ी बदलती हैं, पर अभी हम यहाँ सिर्फ प्लेन वेव फ्रंट को ही डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम ना दूसरी